हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, तापस ड्रोन, TAPS ड्रोन, रुस्तम 2 ड्रोन, बैंगलोर एयर शो 2023, DRDO ड्रोन, खान सर की भाई नई वीडियो आई है, तो वही है, धूम मचा दी है। मेन पर्पस ही मेरे ख्याल से हमारा जो इस बारी का एयर शो करने का था, एरो इंडिया जिसको नाम बोल दिया गया, वो था अपने जो हमने बनाए हुए मेड इन इंडिया वेपन्स हैं और ड्रोन्स हैं उनको शोकेस करना। और अगर आपने न्यूज़ नहीं सुनी है तो भाई तेजस की बहुत बड़ी डील भी हो गई है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, DRDO द्वारा विकसित तपस ड्रोन के बारे में समझते हैं। ये पहले सर्वलांस ड्रोन था, अब इसे हमला करने के लिए तैयार कर दिया गया। ये अभी बेंगलोर में हो रहे एयर शो का ऊपर से एरियल सर्वलांस किया है। इसका नाम तपस है। तपस का फुल फॉर्म होता है टेक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वलांस। तो टेक्टिकल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं, कम दूरी तक के लिए ये होता है। छोटे हम लोग को अक्सर लोग टेक्टिकल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। ये एक्चुअल एक सर्वलांस ड्रोन के रूप में इसे विकसित किया गया था, लेकिन अब इसे आर्मल ड्रोन के तौर पर तब्दील कर दिया गया। अमेरिका भी प्रेडिटर जो ड्रोन बनाया था वो पहले सर्वेलांस के लिए बनाया था, निगरानी के लिए। अब उसको क्या कर दिया, उसमें मिसाइल वगैरह लगा के हार्ड पॉइंट जोड़ के उसे घातक हथियारों से लैस कर दिया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही वही मचा रहा है। तो ये जो हम लोग का तपस ड्रोन है, रुस्तम 2 का ये एडवांस वर्जन है, तो ये अब हमला करने के लिए भी तैयार रहेगा। इसे DRDO ने विकसित किया और बनाने की जिम्मेदारी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दिया। वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज में इसका विकास करेगी और तेजी से इसे आगे बढ़ाएगी। इसके नंबर मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबके लिए इसका प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया गया। लगभग 76-74 के आसपास में इसका नंबर को अभी मांगा गया है। हालांकि और इसके नंबर्स को बढ़ाया जाएगा। शुरुआती परीक्षण इसका कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक के शुरुआत में इसका कोलार में परीक्षण हुआ। दूसरा परीक्षण जो पूरा बढ़िया से ट्रायल किया गया चित्रदुर्ग में। ये अक्सर क्वेश्चन पूछेगा चित्रदुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में। हालांकि पहले भी मिसाइलों के परीक्षण के लिए हमारे पास उड़ीसा का व्हीलर द्वीप जिसका नाम चांदी कलाम द्वीप हो गया, उसके ऊपर है चांदीपुर और यहाँ पोखरण। ये चार जगह याद रखिएगा मिसाइलों के परीक्षण के लिए ये जगह है। इसके बारे में अब समझते हैं। देखिए, इसकी लंबाई जो है वो 31 फीट है। इसकी लंबाई को 31 फीट रखा गया है, जबकि इसके डैनो की चौड़ाई को 67 फीट रखा गया है। यानी इसका डैना जो है विंग स्पैन ज्यादा है। जितना ज्यादा विंग स्पैन रहेगा वो हवा में उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा, वो कोई भी चीज स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। इसमें टर्बोप्रॉप टाइप के इंजन लगे गए हैं जिसके फैन बाहर होते हैं। टर्बोप्रॉप इंजन के फैन क्या होंगे, बाहर रहेंगे। इसमें 3 ब्लेड दिए गए हैं घूमने के लिए, जबकि तुर्की का जो TB2 ड्रोन था उसमें 2 ही विंग्स थे, 2 ही फैन है घूमने के लिए। इसमें 3 फैन है। जो तुर्की ने पूरी दुनिया में हल्ला कर दिया कि उसी का ड्रोन सबसे बढ़िया है, उसका जो ड्रोन है उसमें 2 ही विंग लगे हुए हैं। हम लोग का जो ड्रोन है उसका जो इंजन है वो ज्यादा पावरफुल है, वो डबल है, 3 टर्बो प्रॉप ब्लेड है उसमें। 130 किलोवाट ये जनरेट करेगा, इतना इसका पावर है। जबकि तुर्की का जो TB2 ड्रोन था वो 75 किलोवाट ही जनरेट करता था। ये तुर्की का यही ड्रोन है जो अजरबैजान की लड़ाई में पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया था, या ये यूक्रेन की सेना का पूरा मदद किया था, यही TB2 ड्रोन। इस ड्रोन की जो सर्विस सीलिंग है, जब ऊंचाई होती है उसे सर्विस सीलिंग टेक्निकल भाषा में बोला जाता है, 35,000 फीट है। 35,000 फीट पे कमर्शियल जहाज उड़ते हैं, इसका मतलब ये जहाज की हाइट पे उड़ेगा, छोटे मोटे चीज नीचे से पकड़ भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे इंडोरेंस जो है इसमें कितने देर तक उड़ सकता है, ये तो 18 घंटे की इसकी इंडोरेंस क्षमता है। रेंज जो है ये 1,000 किलोमीटर तक जाकर हमला कर सकता है। यहाँ पे इसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। यहाँ पे अभी इसकी रफ्तार, इंजन और स्मूथ होंगे। इसके खाली वजन केवल मतलब जो जहाज का वजन है, इस ड्रोन जो है, इस ड्रोन का अकेले वजन 1800 केजी है, लेकिन यह ले जा सकता है 350 केजी का पेलोड। यहीं से इसकी एडवांसमेंट चालू होती है कि 350 केजी के हथियार को यह ले जा सकता है, जबकि तुर्की का जो TB2 ड्रोन था वो महज 150 केजी के ही वजन को ले जा सकता था। 150 केजी में वो 2 से 3 मिसाइलें ही ले जा सकता था, जिस वजह से उसे बार बार वापस आना पड़ता था। दूसरा, यह एक राफेल में 50 राफेल खरी, इसको एक राफेल में यह 50 ठो आ जाएगा। अब तगड़ा, इतना खतरनाक, जिसका कोई अभी रेट
डिस्क्लोज नहीं होता है ये डिफेंस के चीजों की, इसलिए हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत सस्ता होता है, इसका रेट अभी किसी को एक्चुअल नहीं पता होता। तो 350 kg का ये हथियार ले जा सकता है, टीवी टू ड्रोन से ज्यादा ले जा सकता है। हालांकि तुर्की भी अपने ड्रोन को एडवांस कर रहा है, इन ड्रोनों में हार्ड पॉइंट लगाए जाएंगे, 4 हार्ड पॉइंट्स लगाए जाएंगे, 2 इस विंग्स पे 2 इस विंग्स पे। हार्ड पॉइंट उसे कहते हैं जहां पर हम हथियारों को अटैच कर सकते हैं, तो इसमें 4 हार्ड पॉइंट लगा दिए जाएंगे जहां से हम हथियारों को अटैच कर सके और फिर उससे हम लोग फायर कर सकते हैं। ये ड्रोन ज्यादातर काम आते हैं टैंक्स वगैरह को उड़ाने के लिए यहाँ पे, और हम लोगों ने टैंक को उड़ाने के लिए पहले से ही ऑलरेडी मिसाइल डेवलप कर लिया, हेलिना मिसाइल। हेलिना मिसाइल टैंक्स के लिए एकदम घातक साबित होती है। अब हेलिना मिसाइल अकेले का वजन 50 kg है, एक हेलिना मिसाइल का वजन 50 kg है, तो अगर हम 7 ठो हेलिना मिसाइल लाद देते हैं तो 350 kg टोटल वेट हो जाता है। और आपको पता है कि इसकी क्षमता ही जो है वो 350 kg उठाने की है, यानी हम लोग एक साथ 7 हेलिना मिसाइल छोड़ सकते हैं, यानी वो करोड़ों का टैंक भेजो, हम यहां से ड्रोन भेजते रहेंगे। युद्ध नीतियां बदल चुकी हैं, यूक्रेन की लड़ाई और अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि अब जिनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी बेहतरीन है वही आगे निकलेगा। अब देखिए ईरान जैसा छोटा देश जो डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, वह छोटा देश ईरान भी रूस को ड्रोन दे रहा है कि हमारे ड्रोन से आप यूक्रेन में मारिए। तुर्की जो हथियार के निर्यात में उतना नहीं प्रसिद्ध था, लेकिन उसने भी यूक्रेन को दिया मारने के लिए और ये ड्रोन तख्ता पलट कर दिए, पूरी तरह से माहौल बदल दिए। ये ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं, मेन लड़ाई इसी चीज की, बहुत सस्ते होते हैं। यहाँ पर ड्रोन में कोई पायलट नहीं बैठता, इसलिए ह्यूमन कैजुअलिटी का कोई बात नहीं होता है। तो ये आर्मर ड्रोन अब हो जाएगा, ये टीवी ड्रोन और 7 मिसाइलों को ले जा सकता है, और टैंक का हाल ये हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें अलग तरह का नेविगेशन सिस्टम जोड़ा गया है। दुनिया के जितने ड्रोन हैं, मतलब ज्यादातर ड्रोन जैसे TB2 ड्रोन हो गया और ईरान का ड्रोन हो गया, ये GPS का प्रयोग करते हैं और GPS की कंट्रोलिंग अमेरिका के पास है। तो हम अपना आंख अमेरिका को नहीं दे सकते हैं। तो भारत ऐसा है कि क्योंकि हमारे पास इसरो ने गगन सेटेलाइट सिस्टम छोड़ दिया, तो ये उस ड्रोन को रास्ता दिखाने का काम गगन करेगा। और गगन ऑलरेडी ट्रस्टेड है, हमारी नेवी यूज करती है, एयरफोर्स पहले से यूज कर रही है, जहाज हमारे इंडिया में जितने उड़ते हैं वो गगन को यूज करते हैं, जितने भी ट्रेन वगैरह का एग्जैक्ट लोकेशन के लिए भी हम लोग गगन का ही प्रयोग करते हैं। तो ये गगन सैटेलाइट हम लोग का है, तो हमारे इसके ऊपर कंट्रोल है, इससे इसका प्रयोग करना ज्यादा सही है। और ये पूरी तरह से भारत की निगरानी देता है, तो अब हम लोग कहीं पे भी हमला करने के लिए GPS पे डिपेंडेंट नहीं है, ये पूरी तरह से गगन ड्रोन सिस्टम से ऊपर का इसका एंटीना सिग्नल ले लेगा और कहां क्या चीज हो रहा है सब कुछ बता कर लेगा। इवन कि ये आपस में लिंक भी होते हैं, अगर कोई कमर्शियल जहाज जा रहा है, इसको कुछ दिखाई दिया तो ये गगन को बता देगा, वो बता देगा ड्रोन को यहाँ पे। तो इन आपस में इंटरचेंज होने से रियल टाइम डाटा इजी पता चल जाएगा, कहाँ हमला करना है कहाँ नहीं। अब GPS में कोई डाटा मिल रहा है वो देर से मिलेगा, जैसे अगर किसी को बता दिया कि लखनऊ के ऊपर से एक जहाज जा रहा है, आधा घंटा बाद हम ये सूचना देंगे कि लखनऊ से जहाज जा रहा है, तो जहाज पता नहीं कहाँ जा चुका रहेगा आधा घंटा में। तो हमें जो भी जानकारी चाहिए रियल टाइम पे, अभी वो जहाज पिन पॉइंट कहाँ है, तो रियल टाइम डेटा के लिए हमारा गगन सिस्टम बहुत जरूरी है। और ये आपस में इंटीग्रेटेड है, सारी सिस्टम आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट है, जिससे हमें रियल टाइम डाटा लेने में इजी होगा। इसमें नेविगेशन सिस्टम में दुनिया का सबसे एडवांस नेविगेशन सिस्टम डाला गया है यहां पे। इसके कैमरे में बिल्कुल HD क्वालिटी को, लेकिन HD क्वालिटी ये देखने के काम में आता है, युद्ध में कितना अच्छा देखते हैं ये मतलब नहीं। जब दुश्मन को देख लेंगे तो आप भी दुश्मन को मार देंगे और दुश्मन भी आपको मार देगा। या सारी लड़ाई आज बियॉन्ड विजुअल रेंज है, हमारे नजरों से दूर की लड़ाई हो गई है, छुप के लड़ाई हो गई है, अंधेरे में हो गई है। तो अब वो HD काम नहीं आने वाला लड़ाई में, अब टेक्नोलॉजी काम आएगी। तो उसमें क्या काम आएगा, देखिए नाइट विजन में देख लो, हीट यहाँ नीचे सर्वलांस के लिए लगाया गया है, इसमें नाइट विजन भी दिया गया है और साथ में इसमें थर्मल कैमरा भी दिया गया है। देखिए नाइट विजन होता है कि हमें अंधेरे में देखने की सहूलियत दे देता है नाइट विजन, जबकि थर्मल कैमरा ऐसा नहीं होता है। थर्मल कैमरा हम गर्मी को भांपता है, कहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है उसको गर्म करके दिखाता है। जैसे ये हिरन है, इनका टेम्परेचर ज्यादा था तो इनको इस कलर से दिखा दिया, बाकी के पेड़ पौधों का टेम्परेचर कम था तो उसको अलग कलर से दिखाया। तो ये होता है थर्मल कैमरा और ये होता है नाइट विजन।
अमूमन ऐसा लगता है कि जब नाइट विजन कैमरा हाई है तो थर्मल की जरूरत क्या है। देखिए नाइट विजन से अच्छा थर्मल होता है। रीजन क्या है, अगर इन हिरन को ऊपर एक तिरपाल ओढ़ा देते हैं या चादर से ढक देते हैं, या हिरन के जगह अगर फौजी रहते हैं ढक लेते हैं अपने आप को, तो नाइट विजन उसे नहीं देख पाएगा कि इसके अंदर आदमी है। और यही काम आ जाता है थर्मल कैमरा। अगर आप इनके ऊपर चादर से ढक भी देते हैं तो इनके बदन की गर्मी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, तो ये गर्मी को पहचानता है। इसलिए थर्मल कैमरा ज्यादा अच्छा होता है ये क्या नाम है डिफेंस के मामले में नाइट विजन से। लेकिन कब किसकी जरूरत पड़ रही है तो नाइट विजन में भी देख लेगा, दिख रहा है थर्मल में भी देख रहा है, एकदम एक्यूरेट पता चल जाएगा। तो ये दोनों सिस्टम इसमें लगा के दिया गया है हमारे तपस ड्रोन में। निगरानी इसके जो नेविगेशन सिस्टम है ये बहुत बेहतरीन है। इसके अलावे अब देखिए हमको जब आसमान में कोई चीज उड़ रही होती है तो हमें चाहिए थर्मल कैमरा क्या करता है कि छोटी सी छोटी चीजों को दिखाने लगता है कि हाँ मुंह यहाँ नाक के पास का टेम्परेचर ज्यादा है, हथेली का टेम्परेचर कम है, माथा का ज्यादा है, तो कई कलर से दिखाने लगता है, इससे कंफ्यूजन होने लगता है। इसलिए उससे बेटर है इंफ्रारेड सेंसर, आईआर सेंसर, इंफ्रारेड सिस्टम। इंफ्रारेड सिस्टम में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर में सेव कर दिया जाता है कि ज्यादा टेम्परेचर को दिखाना है, बाकी को काला कर देना है। तो अगर इसमें सेट कर देंगे कि 400 डिग्री सेल्सियस को दिखाना है, तो देखिए कोई भी जहाज चलेगा तो उसका इंजन 400 डिग्री सेल्सियस होता है। या इसमें सेट कर दीजिए इसके सिस्टम में कि 200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो ही स्क्रीन पे दिखाना, अदरवाइज में मत दिखाना। तो इसका पूरा स्क्रीन काला दिखता है, इस टाइप का काला दिखेगा। लेकिन जहां टेम्परेचर ज्यादा आया 200 डिग्री सेल्सियस से, तो जहां जहां उसको ज्यादा दिखेगा वहां वहां का डिजाइन बना देगा। तो देखिए जहां जहां टेम्परेचर इसको ज्यादा दिखा उसका डिजाइन बना दिया, पता चल गया इसको पूरा जहाज है, बाकी पूरा ब्लैक रहेगा। समझा गया कि नहीं? इसमें देखिए यहां टेम्परेचर ज्यादा, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा, तो उसी हिसाब से बना देगा। तो इसका स्क्रीन है पूरा ब्लैक रहता है। इंफ्रारेड वाले में यही खास है, पूरा स्क्रीन ब्लैक। अब जो आ गया सीधे मारो, जो आ गया मार दो यहाँ पे। तो इसपे इससे भी अटैक करने में इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका टेम्परेचर ज्यादा था तो पकड़ लिया, तो इंफ्रारेड। तो नेविगेशन की कितनी बेहतरीन व्यवस्था रखी गई। लेकिन ये सारा नेविगेशन फेल हो जाता है जानते हैं कब, जब कोई जहाज ग्राउंड पर हो और उस ग्राउंड के जहाज का इंजन ऑफ हो तो पकड़ना काफी मुश्किल होता है। तो अभी के समय में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वो है सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार कैसे काम करता है उस सिस्टम को भी इसमें दिया गया है, सिंथेटिक अपर्चर रडार को। अब समझ में आता है आत्मनिर्भर का फायदा क्या होता है। ये सारा सिस्टम इसरो ने दे दिया है, सारा सिस्टम इसरो के पास है सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो कुछ इसरो ने दे दिया, कुछ डीआरडीओ ने दे दिया, कुछ एचएएल ने दे दिया, पूरे मिल के आपस में काम करते हैं सब। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या है, ये देखता ही नहीं, अंधेरा होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार, वो अंधा की तरह काम करता है। अंधा कैसे, ऐसे छू छू के निशाना ऐसे छूता है, अरे क्या चीज है, ओ हो ओ, कोई आदमी खड़ा है, ऐसे टच कर लेता है। वैसे ही वो वेव छोड़ता है, तरंगों को छोड़ता है। अब जैसे हमारे ऊपर कोई तरंग छोड़ेगा तो नाक से जो तरंग टकराएगी वो पहले ही चली जाएगी, जो गाल से टकराएगी वो थोड़ा बाद में जाएगी क्योंकि नाक ऊपर है गाल नीचे है। तो उसी तरह से अलग अलग जगह से टकराएगी तो अलग अलग तरंगे उठेंगी। जैसे सिंपल सी बात बताते हैं, हम आटा सान लेते हैं, ठीक है, आटा सान के अपने मुंह पे इसे चिपका देते हैं, जब इसको नोचेंगे तो मेरा थुथुर का चेहरा उस आटा में चिपक जाएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ इसका सांचा ले लिए। यही काम करता है अपर्चर रडार। ये जिसके ऊपर से गुजरेगा तो उसके ऊपर से पूरी तरह से वेव छोड़ देगा, ऐसे पूरा वेव छोड़ देगा और देखेगा कौन वेव कितनी ऊंचाई से टकरा के आ रहा है। जैसे इधर साइड साइड में घास था, बीच में यहाँ रनवे था, तो रनवे वाला अलग आ गया, ये टैक्सी वे वाला अलग आ गया, पेड़ पौधे का अलग आ गया, तो पूरा स्कैन कर लेता। अब इसमें कोई छुपा रहे या नहीं, अब कोई छुपा भी रहेगा तो उसके जगह गोल बना देगा कि भैया तरंग यहाँ पहले ही आ गई है, जमीन तक नहीं गई है। तो ये सिंथेटिक अपर्चर रडार से भी इसे लैस किया गया, यानी इसमें पूरी तरह से नेविगेशन जो भी एडवांस अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे। हालांकि इसमें हमला करने के लिए एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जोड़ा गया, लेजर गाइडेड सिस्टम। लेजर गाइडेंस सिस्टम क्या होता है, देखिए जमीनी लड़ाई में आप फौज को नकार नहीं सकते, चाहे जितना भी टेक्नोलॉजी आ गया, फौज वहां खड़ी रहती है। कई बार फौज को दिख जाता है कि वहां दुश्मन का तोप है, वहां दुश्मन का टैंक है, वहां दुश्मन का बस जा रहा है, ट्रक जा रहा है, तो वो फोन करेंगे, अरे दुश्मन का ट्रक उधर गया है, आओ 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 आओ। अरे तो जहाज आएगी फिर खोजेगी किधर गया किधर गया, अरे हमको नहीं दिख रहा है, तो कहेगा दहीने मुड़ो बाएं मुड़ो। अरे वो जहाज से कैसे देख पाएगा दहीने मुड़ो कि बाएं मुड़ो, जहाज से दिखेगा तो कोई चीज में उठपटांग दिखता है, समझ में नहीं आएगा। तो यही काम आता है लेजर। जैसे देखिए यहां एक आदमी लेजर मशीन लेके खड़ा रहेगा,
इस साइड में लेजर मशीन लेके खड़ा हो जाएगा। ये लेजर मशीन से दुश्मन के टैंक के ऊपर वो लेजर लाइट चलाएगा। अब लेजर लाइट दिन में किसी को चला दिखा दीजिएगा तो उसको क्या समझ में आएगा। तो इस बेचारे टैंक को कुछ पता ही नहीं है, दुश्मन का ये टैंक है, इसको कुछ पता ही नहीं है कि इसके ऊपर किसी ने निशाना भी लगाया है। एक्चुअल में इस पे तो निशाना ही नहीं लगाया है, उसने तो इस टैंक के ऊपर केवल एक रोशनी छोड़ी है, लेजर की रोशनी। अब ये लेजर रोशनी यहां बिखरने लगेगी, जैसे यहां बिखरेगी, अब ये बिखरेगी तो तरंग बनेगा और इसे रडार से पकड़ लिया जाएगा कि यहां पर कोई ना कोई हलचल हो रहा है। और वह हलचल देखकर ऊपर से उड़ता हुआ ड्रोन या फाइटर जहाज आ जाएगा और वो समझ जाएगा, ओ भाई साहब हलचल कहां हो रही है, तो इसी पर बम गिरा दो, गिरा देगा इसी के ऊपर। देखिए इसने मारा नहीं, इसने मारा नहीं, इसने केवल निशाना लगा दिया इस पर। ये कैसे काम किया समझिए ध्यान से। देखिए यहां दुश्मन का एक टैंक, दो टैंक, ये तीसरा टैंक, ये आदमी तिरपाल ओढ़ के छुपा हुआ है, कैमोफ्लाज कहते हैं इसको, घास उस लगा के छुप जाते हैं। और यहां से लेजर बीम छोड़ रहा है इसके ऊपर, जैसे लेजर बीम इसके ऊपर छोड़ेगा तो ये लेजर बीम जाने के बाद यहां से स्केटर्ड होके बिखर जाएगी, जिससे यहां पर बिखरेगी तो मशीनें उन तरंगों को पकड़ लेगी, रडार इन बिखरे हुए तरंगों को पकड़ लेगा। रडार जैसे इस बिखरे हुए तरंगों को पकड़ेगा तो हमारा ड्रोन या हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जहाज इस डायरेक्शन में चल देंगे कि ओ ससुरा यहीं मारो बम धड़ाम से। अब ये ड्रोन लेके पहुंच गया और नीचे से मार दिया मिसाइल और मिसाइल जाके सीधे हिट कर दी, इसने एक भी गोली नहीं चलाया, लेकिन इसने सारा कांड करके रख दिया। इसे कहते हैं लेजर डेजिग्नेटर, यही डिसाइड करता है कि लेजर कहां जाएगा। इसको क्या पता चलेगा, अच्छा हमारे ही ऊपर कोई लेजर लाइट इसे थोड़ा सा जला देगा तो क्या पता चलेगा, पता चलेगा। लेकिन वो बिखरेगा तो रडार छोटे से छोटे चीजों को पकड़ लेता है, जिस वजह से वहां पे आके हमला किया जा सकता है। तो ये अभी की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है। देखिए यहां पर इसने यहां से लेजर लाइट इसको दिखाया, ये बेचारा चुपचाप जा रहा है, कह रहा है चलो जी जाइए रहे हम भी चलते हैं, इसकी लेजर जहां पे निशाना लगा रही होती है ये तुरंत जानकारी सैटेलाइट को दे देती है, सैटेलाइट जहाज को दे देती है और जहाज आके इसको मार देता है। तो आज का जो सिनेरियो है लड़ाई का वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो तपस ड्रोन अब सर्वलांस नहीं रह गया, बल्कि अब यह हमला करने के लिए तैयार हो गया है। डिफेंस के सेक्टर में जो भी चीजें नहीं होती उसको याद रखते रहिएगा, क्योंकि अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्वेश्चन पूछने का दायरा बढ़ते गया है। बीपीएससी का एग्जाम हो गया, मेंस की क्लास चालू भी हो गए हैं, 16 तारीख से मेंस स्टार्ट हो गया। ऑफलाइन में हम लोग लिमिटेड ही लड़कों का एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में अब जगह नहीं बचा। ऑफलाइन का हमारे पास भी एक लिमिटेशन है बाबू, समझिए कि हम कितने लोगों को ले सकते हैं, कुछ को ले सकते हैं एडमिशन, बाकी लोगों को हम ऑनलाइन ही पढ़ा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे लोग ऑनलाइन ही ले लें। बीपीएससी के जितने लड़के लगते हैं अब पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर आप जुट जाना है मेंस पर, और मेंस में जो 300 नंबर का निबंध है वो पूरा प्रॉपर क्लास होगा आपको, धर्मेंद्र सर पूरा क्लास लेंगे निबंध का, और वो क्लास आपको प्रॉपर 2 से 3 महीने के टाइम में लगेगा उसको कंप्लीट करने में। फिर आपको मेंटरशिप में दिया जाएगा, आप हमारे ही गाइडेंस में पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली जैसे भी पढ़ना होगा वैसे पढ़ेंगे। तो ये तो बीपीएससी का हो गया। बीपीएससी में हम लोग ऑफलाइन में लगभग एडमिशन क्लोज है, क्योंकि जगह नहीं है, तो ऑनलाइन ट्राई करेंगे लोग, ठीक है। बाकी जो पटना में रहते हैं उन लोग के लिए, गांव वाले लड़के ऑनलाइन ऑफलाइन आप जैसे पढ़ने वालों का कहीं से भी रिजल्ट हो जाता है। एमपीपीसीएस वाले लड़के, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी, आप लोग के लिए भी अब बहुत गुड न्यूज है, आप लोग भी अपना अपना आके एप्लीकेशन पे अपना बैचेज ले सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए दोनों बैच अवेलेबल है। मध्य प्रदेश पीसीएस वाले एप्लीकेशन में जाइए, वहां देखिए बिल्कुल नॉमिनल फी में सबसे बेस्ट टीचर के साथ आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पीसीएस। और हर जगह ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए आप चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, अब सब ये जगह अब आपको एकदम डिटेल से पढ़ना है। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। माइंड ब्लोइंग, इतना हाईटेक बना दिया शुरुआत की सर्वेलेंस से, और सर्वेलेंस से उसको इतना बना दिया, उसमें जो भी पॉसिबिलिटी है वो सब उसमें डाल दी है। कैमरे की पॉसिबिलिटी, हर चीज की पॉसिबिलिटी उसको इतना स्ट्रांग। और जो टर्की जो कुछ साल पहले बड़ा वो बन रहा था और उसकी हम लोग सुन के बोलते थे कि यार टर्की के पास ड्रोन है और हमारे पास नहीं है, उसको देख लो, उससे डबल स्ट्रांग, हर चीज़ में डबल था, ये कमाल कर दिया। वो टर्की भी अब कोशिश कर रहा है कि भैया मैं भी अपने वाले को बेटर करूं, पर इंडिया निकल गया आगे, रेस जीत गया, अब इसको भी बेचेंगे और खूब कमाएंगे और उसे और अच्छे बनाएंगे। नहीं देखिए, जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है वो किसी को बेचने की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो है, ये भी है कि आपकी इतनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आपके पास ही होनी चाहिए, आप किसी को ना बेचिए, तो बहुत सुपीरियर लग रहा है। फिर मत, इट्स वेरी गुड। मगर यही है कि अगर
मार्केट में ऐसे कई हैं, तब तो ठीक है, तब आप कह सकते हैं ठीक है भाई मार्केट में इस टाइप के बहुत सारे हैं, हमारा जाएगा, ज़्यादा कैपेबल है और ज़्यादा सस्ता है, उसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। नहीं ये क्योंकि कम कैपेबल हो और इससे बेटर हमने पहले से ही बना के अपने पास रखा हो। अपने लिए तो कुछ और इंटरनली हर एक कंट्री के पास बताया भी नहीं होगा, जो किसी को बताते नहीं, किसी को देते नहीं है, मगर एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनेगा कि ये लो, ये तुम खरीद सकते हो मिलिट्री प्रोडक्ट, ये जैसे तुम्हें मार्केट में मिल रहे हैं हमारा भी वैसा ही है, मगर थोड़ा बेटर क्वालिटी है और थोड़ा चीपर है। हर बंदा भागेगा कि बेटर क्वालिटी चीपर ले लेगा, तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खुशी हो रही है देखकर कि बिल्कुल ही एक समय पे 6-7 महीने पहले कहाँ हम बोलते थे इंडिया के पास ड्रोन नहीं है, और आप देखिए 6-7 महीने के बाद हमारे इतने स्ट्रॉन्ग ड्रोन आ गए। सारा जितना भी लग रहा था इंटेलिजेंस में गैप है, जितना भी मिलिट्री में गैप है, सब रिजॉल्व हो गया, फिल हो गया, वेरी नाइस कर दिया। क्या कमाल, क्या स्पीड से काम हो रहा है और क्या हाईटेक अच्छा बन रहा है, मैं तो देख के अमेज्ड हो गई हूँ, कितना अच्छा लगा सुनकर। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।